नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आ चुका हूँ और एक आईपीएल से जुड़ी बहुत सारा अपडेट लेके। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग जहाँ देश विदेश के बहुत सारा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, उसका डेट हमें आज देखने को मिलेगा। आज हम आपको ये डेट यूट्यूब में सबसे पहले रिवील करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट ODI होने वाली है बायलेटरल सीरीज का, वो हमें 22 मार्च 2023 में खत्म होने दिखाई दे रहे हैं, और जो कि पहले से शेड्यूल है। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि नेक्स्ट ईयर ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हो रहा है, और वो हमें 7 जून 2023 में ओवल में होने देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में अगर भारत फाइनल में पहुंचेगा तो IPL खेलने के बाद प्लेयर थक चुके होंगे, इसीलिए BCCI सेक्रेटरी जयसा और IPL टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया अगले साल IPL होंगे 31 मार्च या 1 अप्रैल से। जी हाँ, लगभग एक कंफर्म हो गई है, न्यूज आया है क्रिकबर्ड से। और दोस्तों, आपको बता दूं कि BCCI हमें जल्द ही एक गुड न्यूज देने वाली है। और दोस्तों, ये भी बता दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले प्लेयर का फिटनेस जरूरी हो जाती है, ऐसे में मई महीने का अंत तक हमें IPL खत्म होते दिखाई देगा। पिछले साल की तरह इस साल भी हमें 74 मैचेस होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, मिनी ऑक्शन के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन बचा हुआ है। मिनी ऑक्शन के टाइमिंग में हमें थोड़ा चेंजेस होते दिखाई दे रहा है। 2:30 बजे की जगह 23 दिसंबर हमें 11 बजे से ऑक्शन स्टार्ट होते दिखाई देगा। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।